आज के ब्लॉग में हम बताएंगे कि गमले या ग्रो बैग में परमानेंट फलों या शो प्लांट के पौधे लगाने का प्रोसेस क्या होगा, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करें तथा किस खाद का कितनी मात्रा में प्रयोग करना उपयुक्त रहेगा, इसके लिए और किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी तथा ये कहाँ से अच्छे रेट में प्राप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल My Garden Blog। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आज हमने गमले में लगाने के लिए CGM का एक पौधा लिया है। इसे हमने अपने पास की एक नर्सरी से प्राप्त किया है। यह सालों भर हरा भरा रहने वाला शो प्लांट है जिसकी पत्तियां रेड एवं ग्रीन कलर की होती है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। CGM का पौधा आसानी से उपलब्ध होने वाला एक शो प्लांट है। अमूमन यह नर्सरी में 100 से 200 रुपए के बीच में मिल जाता है। दोस्तों, आज पौधे को हम जिस विधि से लगा रहे हैं ज़्यादातर परमानेंट पौधे को उसी तरह से लगा सकते हैं। पौधे को लगाने के लिए हम गमले का प्रयोग करेंगे तथा उसमें जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, गार्डन सॉइल तथा नीम खली का उपयोग करेंगे। आमतौर पर लोग गमले में पौधे लगाने के लिए सीधे खेत की मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा काफ़ी कम होती है और न्यूट्रिशन न मिलने के कारण पौधे मरने लगते हैं। गमले में पौधे लगाने के लिए यह जरूरी है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन दी जाए, तब पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है। इसलिए पौधे को लगाने के लिए हम जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें 20% जैविक खाद, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट तथा 2 मुट्ठी नीम खली का प्रयोग करेंगे। नीम खली एक प्राकृतिक एंटी फंगल का कार्य करता है जिससे पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं। दोस्तों, अगर जैविक खाद की बात करें तो यह पेड़ों की सड़ी गली पत्तियों, पौधों की जड़ों और जानवरों के गोबर को मिलाकर उसे डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है, जबकि बर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म यानी केंचुआ द्वारा गोबर की खाद को डिकम्पोज करने के बाद तैयार होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट तथा जैविक खाद ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध हैं, लेकिन ये ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इसे किसी पास की नर्सरी या खाद की दुकान से लिया जाए, जबकि कोकोपीट को ऑनलाइन लेना अच्छा हो। जहाँ तक इसके रेट की बात करें तो 50 किलोग्राम के बर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का बैग 200 से 300 रुपए के बीच मिल जाएगा, जबकि कोकोपीट कंप्रेस्ड फॉर्म में 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल जाएंगे। यदि जैविक खाद उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि कोकोपीट की अनुपलब्धता की स्थिति में उसके स्थान पर मकान बनाने में प्रयोग होने वाले रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए गार्डन सॉइल, जैविक खाद, बर्मी कंपोस्ट तथा कोकोपीट को एक साथ अच्छी तरह से मिलाकर गमले में भर देंगे। मिट्टी और खाद का मिश्रण गमले में भरने से पूर्व गमले का ड्रेनेज होल को अच्छी तरह देख लेंगे ताकि गमले का एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरह से बाहर निकल सके। उसके बाद CGM के पौधे पर लगी प्लास्टिक की थैली को हटाकर पौधा लगा देंगे। फिर उसमें अच्छी तरह से पानी दे देंगे ताकि वे गमले में मिट्टी के साथ अच्छी तरह से सेट हो जाए। समय समय पर उसकी केयर करते रहेंगे और जब गमले की मिट्टी सूखी मिले तो उसमें पानी दे देंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं गार्डनिंग की और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।